पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों ने लगाई आग, कांग्रेस ने किया जंगी प्रदर्शन। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता के प्रयास, डीएसपी ट्रैफिक ने स्कूली बच्चों को दी जानकारियां। संविदा कर्मियों से किया वादा भूली सरकार, कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर वादा याद दिलाया। और राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में युवा उत्सव प्रारंभ, आयोजित की गई प्रश्न मंच प्रतियोगिता। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में जारी बेतहाशा बढ़ोतरी के चलते हर तरफ बड़ी महंगाई की आग अब सड़कों पर आ चुकी है। इस महंगाई के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को पूरी तरह जिम्मेदार बताते हुए कांग्रेस ने आज जंगी प्रदर्शन किया। इन्हीं 7 दिनों में देश के अंदर पेट्रोल की कीमतें 11 से 15 रुपए तक बढ़ी है। छिंदवाड़ा में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल बिकता है। ये पेट्रोल की तरफ लोग चर्चा न करें, महंगाई पर लोग चर्चा न करें, इसलिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे ऐसे सवालों को जनता के बीच में जिन वादों को लेकर सरकार कोलकाता में पहुंची है, उनमें से एक वादा उसने पूरा नहीं किया है। एक सिंगल वादे पर उसने रत्ती भर काम नहीं किया है। इसका इस सरकार का सबसे बड़ा फैलना है। रोजगार के सवाल पर वो शून्य है, महंगाई के सवाल पर वो शून्य है, महिलाओं के अत्याचार पर वो सरकार शून्य है। इसके बावजूद भी इस देश के अंदर वो इस तरीके से हर कोई व्यक्ति कर रहा है। दलित आदिवासी समुदाय से इसकी खिलाफत हुई है। आपको याद होगा 6 तारीख के बंद से पहले 2 अप्रैल को भी भारत बंद हुआ था। वो SC ST एक्ट के वो दलित आदिवासियों ने बंद किया था। वो क्या मांग कर रहे थे? वो ये मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार इस कानून में अनावश्यक आपस में लड़ने की आपस में लड़ती रहे और वो इस महंगाई को बेरोजगारी के तरफ लोग ध्यान रखें। कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे मध्य प्रदेश में पूरे देश में महंगाई के खिलाफ बंद का विरोध कार्रवाई कर रही है। शिवराज ने इसी 5 साल के कार्यकाल में 5,000 घोषणाएं की है, उसको 2,200 की कामों पर 2,200 महिलाओं को एक काम शुरू नहीं किया है। हर बार आके दूसरे बार बोले कॉलेज देंगे, जो बोलते हैं आधी कच्चा कॉलेज देंगे, आधी कच्चे कॉलेज की बात आई तो जैसे प्रस्ताव भी लगा है। इस तरह जनता को गुमराह करते हैं, पीछे काटने का बहुत बहुत सबसे बड़ी शर्म की बात है। अभी सब लोग क्या इसको महंगाई नहीं, ये कहते थे कि हम लोग महंगाई कम करेंगे, नोटबंदी लाए, GST ला के हमको छूट दिए, जो पैसा आना था देश में। आज 99.9 सिर्फ 1% 10,000 करोड़ उनसे बचा हुआ है। बाकी पूरा पैसा जो भारतीय सरकार का था नोट छपे हुए हैं, पूरे सरकार को वापस आ गए। 15 लाख का धन लाने की बात थी, हर मुख्य दिन में कहा था कि महंगाई कम करेंगे, सबके खातों में पैसा डालेंगे, किसानों को फायदा होगा। आज किसको फायदा मिल रहा है? पेट्रोल का भाव है तो ये हर दिन महंगाई से आज आम जनता के सही है कि ऐसा कि 1 महीने में 150 रुपये के हिसाब से बढ़ गई। किसी को कोई देते नहीं, केवल नाली साफ उनसे सबसे झूठे बनाते और जनता सब गुमराह की वास्तविक स्थिति है कि आने वाला समय कांग्रेस का कमलनाथ जी का है। कमलनाथ जी से ही चलते उम्मीद कर सकती कि मध्यप्रदेश को कोई बचा सकता है, तो वो कमलनाथ जी बचा सकते हैं। आने वाले समय में हमें और आपको सबको मिलकर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, कांग्रेस की सरकार ला के जनता को चाहे फवारा चौक में धरना प्रदर्शन के साथ कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में पुतला दहन किया। भाई है, भाई है, भाई है, भाई है, भाई है।
हर स्तर पर सरकार झूठी घोषणाएं कर रही है। लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं। पेट्रोल डीजल आज 77 रुपए पेट्रोल डीजल हो रहा है, 87 रुपए पेट्रोल हो रहा है। रसोई गैस इस महीने में 150 रुपए बढ़ी हुई और किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज हम पे जीएसटी का जो टैक्स लगाया गया है उस पे किसानों को भी जो छूट मिलती थी पूरे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे 20% से लेकर 28% जीएसटी उस पर लगाया गया है। हर क्षेत्र में आज लोग परेशान हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, झूठे वादे झूठे घोषणाएं शिवराजी यहाँ के हर बार करते हैं और अब आने वाला समय परिवर्तन का समय है। सीधे सीधे हमको परिवर्तन करके कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं और इसमें जो वैट लगा हुआ है, कांग्रेस की सरकार बनती है तो 5% 4% जो वैट मध्यप्रदेश सरकार ने सबसे ज़्यादा लगाई उसको तुरंत कम करेगी, जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाएगी और साथ साथ जो गरीबों के मकान हैं इनका कर्जा माफ़ किया जाएगा, बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा और जो गरीब लोग छूटे हुए हैं उन सब गरीबों को मकान में गरीबी में नाम जोड़ के सबको गरीब पात्र व्यक्तियों को मकान दिए जाएंगे और किसानों को एक फिक्स रेट पर समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। बहुत सारी बातें कांग्रेस पार्टी करेगी, हमारे घोषणा पत्र में सारी बातें आ रही है। आप सबसे निवेदन है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंके। आज शहर कांग्रेस और हमारे कांग्रेस के सभी अनुसांगिक संगठन, महिला कांग्रेस, सेवा दल, पार्षद दल, आदिवासी प्रकोष्ठ और हमारे सभी ग्रामीण शहरी निगम क्षेत्र के जो हमारे अध्यक्ष हैं और उनके कार्यकर्ता बंधु, ये सारे के सारे इस पेट्रोल और डीजल वृद्धि केंद्र और राज्य सरकार की जनहित विरोधी नीति के विरोध में यहाँ पर इकट्ठा होकर इन्होंने अपना एक विरोध प्रदर्शन जो किया है। आज आम जनता ने भी हमारे इस आंदोलन में अपना योगदान बढ़ चढ़ के दिया और सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और माननीय गंगा प्रसाद तिवारी जी, दीपक सक्सेना जी, विश्वनाथ रोहते जी, अमित सक्सेना जी, आनंद बख्शी जी और हमारे प्रदीप सक्सेना जी, सभी हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे शहर के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण शामिल होकर सबने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है और यही सिलसिला आगे चालू रहेगा जब तक कि एक्साइज ड्यूटी के विरोध में हम लोग करते रहेंगे। जब तक इसकी मूल वृद्धि नहीं होगी कांग्रेस ऐसे ही धरातल पर उतरकर काम करती रहेगी। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों का परिपालन सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज डीएसपी यातायात सुदेश कुमार सिंह ने उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चों को ट्रैफिक रूल्स की जानकारी दी और एहतियात बरतने की समझाइश भी दी। जाते हो और जब तक आप स्कूल से वापस घर पहुंचते हो, जब आप स्कूल में रहते हैं तो समस्या की बात नहीं है, लेकिन स्कूल से घर और घर से स्कूल तक ये उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है, क्योंकि हमारे जिले में या हमारे शहर में यातायात का दबाव इतना ज्यादा है कि आप लोग सुरक्षित पहुंच जाए इसके लिए चिंतित रहना परिवार का या पेरेंट्स का लाजमी है। बहुत सारी चीजें दुर्घटनाएं दूर नहीं की जा सकती, लेकिन हमारी सावधानी से दुर्घटनाओं को या विपदाओं को कम किया जा सकता है। बहुत सारी चीज हम लोग जानते हैं कि रोड पे कैसा चलना चाहिए, रोड को कैसे क्रॉस करना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर उसका हम पालन नहीं करते हैं। पता है वैसे कितने हैं? कोई नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि जो बेसिक नियम है यातायात का उसको सभी जानते हैं कि जब आप रोड पर जाए तो किस प्रकार आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। पर मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि वो बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ पर है इसको ढूंढने का प्रयास नहीं करते और जहां से जगह मिलती है वहां से क्रॉस करते हैं। नंबर दो, जब आप साइकिल, बहुत सारे बच्चे साइकिल का यूज करते हैं, इसमें मैं इनमें से 15-20 ऐसे भी जानता हूँ या देखता हूँ जो मोटरसाइकिल से भी स्कूल आते हैं। तो सभी बच्चों को पता है कि अगर वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं विद गियर तो उनके लिए लाइसेंस की उम्र कितनी है? गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए 18 और बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए 16 से 18। मोटरसाइकिल से
एक्टिवा जो 75 सीसी से कम की हो वो इस श्रेणी में आएगी कि उसमें आपको 16 से 18 के बीच में लाइसेंस मिल सकता है। अब बहुत सारे बच्चे जिनको हम चलाते हुए देखते हैं तो वो बिना लाइसेंस के तो चलाते ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ एक साथ 3 सवारी या उसके अलावा बिना हेलमेट के भी बाइक चलाते हैं, यानी कि वो बिना लाइसेंस के तो गाड़ी चला रहे हैं, बिना 18 साल के हुए तो गाड़ी चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, 3 लोग बैठ रहे हैं, और यदि किसी प्रकार से उनको रोकने का प्रयास किया जाए तो वो आड़े तिरछे। संविदा प्रेरक शिक्षक संघ ने आज प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से सरकार को वादा याद दिलाया और दोहरे मापदंड के लिए आक्रोश जाहिर किया। इन संविदा प्रेरक शिक्षकों ने बहाली की मांग की है। शिक्षक संघ के साथ में अपने शासन के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे प्रेरकों के साथ में दोहरा व्यवहार अपना रहे हैं। जब हमारे प्रेरक को संविदा नियुक्ति की गई है और हमारे प्रेरकों की सेवा समाप्त की गई है तो मामा जी से हमारा यही कहना है कि आपने जितनी संविदा भर्ती किए हैं उसको टोटल बंद कर दे या फिर हमारे प्रेरकों को भी नियुक्तिकरण किया जावे। आप हमारे साथ में छलवा न करें, इसी मांग को लेकर संविदा प्रेरक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मानव संसाधन मंत्री, ऐसे 4 लोगों के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है जिसमें प्रेरकों को नियुक्तिकरण किया जावे, उनको उनका पद पुनः वापिस दिलाया जावे, अन्यथा यदि हम लोगों की मांग पर विचार विमर्श नहीं किया जाता है तो हम उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की बड़ी संख्या ने विभिन्न विभागों में अहम योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ा रोल अदा किया है, लेकिन सरकार की वादा खिलाफी से कर्मचारियों के इस तबके में आक्रोश पनप रहा है। संगठन द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर वादा याद दिलाया गया। सर हमारा निवेदन यह था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कि 5 जून के नियुक्ति की मांग को लेकर उन्होंने बोला था कि संविदा कर्मी हमारे जो अध्यक्ष शब्द है जगह जगह पर अपनी जनाशीर्वाद में सभी संविदा कर्मियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न अवसरों पर जो संविदा कर्मियों के हित में जो बात कही थी कि संविदा कर्मी या संविदा शब्द एक अभिशाप है, मैं से मध्य प्रदेश से मिटाकर रहूंगा, उनके उस वादे को याद दिलाने के लिए आज 7 सितंबर की दिनांक में हमने छिंदवाड़ा जिले में अपितु मध्य प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने सामूहिक अवकाश लिया है और सामूहिक अवकाश लेकर कल हम 8 सितंबर को आज सब यहाँ से रवाना होंगे। भोपाल में हमारा एक बृहद प्रोग्राम शाहजनी पार्क भोपाल में है जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को संविदा कर्मियों के नियमित करने के लिए और उन्होंने जो 5 जून की नीति बनाई है और विभिन्न अवसरों पर जो संविदा कर्मियों को नियमित करने का जो आश्वासन दिया है इस संबंध में उनका स्वागत सत्कार समारोह हमने भोपाल में किया है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप 8 जून को 8 सितंबर 2018 को भोपाल में हमारे कार्यक्रम में आइए।
आपने जो नियमित करने की जो घोषणा की है और निष्कासितों की बहाली करने की जो घोषणा की है उसका अपना वादा निभाइए। अगर हमारा वादा मुख्यमंत्री नहीं निभाते हैं तो भविष्य में हम यह आंदोलन को उग्र करेंगे। जय हिंद, जय भारत। राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में आज से युवा उत्सव की रौनक दिखाई दी। युवा उत्सव के अंतर्गत आज कॉलेज में प्रश्नोत्तरी स्पर्धा का आयोजन किया गया जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। टीम बी 55, टीम बी 10, टीम ई 20, टीम एफ 20। दो रहेंगे क्यों? थर्ड में दो है या सेकंड? थर्ड में दो, सेकंड एक है। सेकंड एक है, दो सेकंड रहेंगे। ऐसी एक्टिविटी हो तो उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करो, है ना? और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ध्यान रखें, टीम को भी कितना मिल रहा है ये भी आपको नोट रखना चाहिए। कौन में आ रहा है तो विजय टीम जो है वो खड़ी हो जाए भाई। विजय टीम है टीम सी, और टीम सी के नाम तिवारी जी का है, मनीषा का नाम है, धन्यवाद इनके लिए। महाविद्यालय स्तर युवा उत्सव में मंचा सिंह, सभी सदस्य छात्र एवं छात्राएं, आज का प्रश्न मंच का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। इसमें जो सी विनर टीम रही उसको वो बधाई की पात्र है। सेमीफाइनल में बी टीम रही। प्रश्न मंच का कार्यक्रम आप सबने आज यहाँ बड़े उत्साह से उसमें पार्टिसिपेट किया। वर्तमान समय में क्विक रिस्पांस के लिए प्रश्न मंच से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और हमारे जनरल नॉलेज को चेक करने के लिए भी प्रश्न मंच बहुत आवश्यक है। ये न केवल प्रश्न मंच वर्तमान या करंट अफेयर के लिए है, बल्कि हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को ये दर्शाता है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाओगे ये आपके सबसे बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए प्रश्न मंच में प्रश्न मंच का यह कार्यक्रम युवा उत्सव के तहत किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सुपोषण अभियान के अंतर्गत 30 सितंबर तक हर घर पोषण त्योहार का आयोजन किया गया है। कलेक्टर सभाकक्ष में इस संबंध में मीडिया कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में कलेक्टर वेद प्रकाश, महिला एवं बाल विकास अधिकारी ML मेहरा तथा पोषण आहार अधिकारी ने जानकारियां प्रदान की। संगठन ICR, मानव अधिकार, ये इन सबको भी साथ में हम सम्मिलित करेंगे। तीसरे सप्ताह में पोषण चर्चा, चौथे सप्ताह में रिपोर्टिंग। नेक्स्ट, प्रत्येक जिले में सोयाबीन के दूध तैयार करने तथा सोयाबीन के अन्य पौष्टिक, तो वो भी एक चीज हम रख सकते हैं कि मूंगफली जो है या लोकली अवेलेबल है, जब सस्ती हो जाती है तो उसको प्रॉपर मतलब एक स्टीम देके और फिर पीस के उसका दूध निकाला गया था, और उस दूध को पाश्चराइज करके उसकी खीर बनाई गई थी, वो काफ़ी टेस्टी बनती है। फिर अन्य विभागों के साथ जो है समन्वय बैठक एवं आयोजित पोषण कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन करना, विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहयोग करना, सेमिनार, धर्मगुरुओं का सम्मेलन, ये परिसंवाद, और घर जाकर विद्वानों से भेंट। नेक्स्ट, इसके बाद फिर ये गतिविधियाँ दी है कि राज्य स्तर पर पोषण आधारित रेडियो पर टॉक शो, वो मुझे लगता है उसका कुछ टाइम भी स्पेसिफिक होना चाहिए जिसमें वो मैक्सिमम लोगों से सुन सके। अब टॉक शो अगर सुबह 7 बजे आ जाएगा, लोग बिजी हैं, शाम को बिजी हैं, तो गृहणियों, एक सर्वे करके हम ये देख सकते हैं कि जो महिलाएँ हैं वो किस टाइम फ्री हैं जब वो रेडियो सुनती हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो जन समुदाय तक चीज़ पहुंचना। आप यहाँ से टॉक शो चला रहे हो और रेडियो स्विच ऑन ही नहीं हो, तो उसका तो पूरा परिवार ही जो है वो पोषित हो जाएगा, कुपोषित को बचेगा। नेक्स्ट, फिर विकास खंड पे HBNC गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल विषय पर प्रशिक्षण आयोजित करना, उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य। पुलिस कंट्रोल रूम में आज SFC योजना के अंतर्गत एडिशनल SP कमल मौर्य ने चयनित शालाओं के प्राचार्यों को योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक जानकारी और निर्देश प्रदान किए।
आत्मसम्मान को बढ़ाने की आवश्यकता है। जो हम इस प्रशिक्षण के दौरान पूरे दो साल में करेंगे कि उनको प्रशिक्षण भी दें और उनके आत्मसम्मान को भी बढ़ाएं। है नहीं वही चीज है, मैंने तो ये चीजें तो खत्म ही हो गई सिविक सेंस, तो ये हमको करना है। तो ये हमारा सिविक सेंस खत्म ही हो गया है। हम बस स्वतंत्रता की बात करते हैं कि हम स्वतंत्रता है हमारे पास, बट सिविक सेंस की बात ही नहीं करते कि भाई दूसरे की भी तो है। ठीक है, तो ये हमको बतानी है। बच्चों को शारीरिक प्रशिक्षण में रुचि होगी, बच्चों का टीम हमारा का विकास होगा, बच्चों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण मिलेगा। हमारी जो गर्ल्स हैं और मैं अनुरोध करता हूं साहब से, जो प्रशिक्षण हमारी सुविधा लड़कियां आई हैं वो भी भेजेंगे स्कूलों में, जहां जो हमारी गर्ल्स हैं उनको बनाते वगैरह का प्रशिक्षण देंगी, आत्मरक्षा द्वारा प्रशिक्षण देंगी। टीम आना बहुत अच्छी चीज होती है, टीम हमला में कोई काम करते हैं तो वो काम कभी भी फेल नहीं होता, क्योंकि आजकल टीम हमला की भी विलुप्ति होती चली जा रही है, चल अकेला चल अकेला। हम चूंकि बच्चों में जो है एक भय हो सकता है भूत आया भूत आया, है ना, सोलह महीने में भूत आ जाएगा, दूसरा भय आया कल्पर पाला आया, और फिर तीसरा भूत आया पुलिस का, सोलह महीने पुलिस को बुलाएंगे। तो हम वो भूत पाला और पुलिस वाला के ऐसा हम कर नहीं पुलिस को बुला देंगे, वो भय खत्म करना चाह रहे हैं और हम वो रिलेशन करना चाह रहे हैं कि उनको उनका बोले और हमारी पुलिस ऑफिसर्स बोले पुलिस को आंटी बोले और उनका जो भय है और जो दुनिया है और जो संकोच है वो सब खत्म करें, जैसे कि हमसे वो जुड़े। लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर चिल्ड्रन, ये शॉर्ट टर्म से अब इसके लॉन्ग टर्म के बेनिफिट हैं। अपने ऊपर होने वाले अपराधों की पहचान और प्रतिकार कर सकेंगे, बांधी दिखाएंगे, है ना, जब अपन किसी स्कूल में जाएंगे तो गोटच और बैटच की भूमि सबसे पहले दिखाएंगे। भारतीय परिवेश में नैतिक पतन से उत्पन्न विकट स्थितियों से निपटने की दिशा में शहर के जागरूक समाजसेवी देवेंद्र उपासी ने अभिनव पहल करते हुए साइकिल से 150 किलोमीटर की यात्रा कर गांव-गांव नैतिक शिक्षा के महत्व का संदेश दिया। यात्रा का समापन शहीद स्मारक पर हुआ, जहां देवेंद्र उपासी ने कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बुद्धिजीवियों ने उनका स्वागत और सम्मान किया। बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई है, सही चल जाती ज्यादा अच्छा है। सर भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश की रक्षा कौन करेगा। कलेक्टर सभाकक्ष में आज असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर शुभ मंगल बागड़ी ने बिलिंग और आहरण के संबंध में डाटा एंट्रीज को लेकर प्रशिक्षण प्रदान किया। जो एकदम टेक्निकल इश्यूज है कि भाई जो टेक्निकल इश्यू थे, जैसे अभी बताया सुमित जी ने कि हमने कोई पे बिल जनरेट किया और उसमें क्या हो रहा है, दो बार शुरू हो रही है चीजें, तो ऐसी चीज क्या है, वो टेक्निकल है, वो हमें विजिबल है कि भाई ये चीज टेक्निकल एरर के कारण क्या हो रहा है। एक इंडिविजुअल एम्प्लॉई का जो पे बिल है वो दो बार शो कर रहा है, तो ऐसे कंप्लेंट को, ऐसी जो प्रॉब्लम आ रही है उसे हम बिल्कुल लॉक कराएं। आप उस कंप्लेंट को लॉक करा दीजिए तो हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम आपके एम्प्लॉई कोड से जो भी डिटेल है वो हम यहाँ पे पैचअप कर सकते हैं। आपके डीजो की लॉगिन से भी हम चीजें निकाल सकते हैं, हमें पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप जब कभी भी कंप्लेंट नोट कराएं तो उसमें दो चीज जरूर मैंडेटरी दें, पहली चीज है एम्प्लॉय कोड और दूसरी चीज है आपका डीडीओ का एम्प्लॉय कोड। डीडीओ कोड तो आप डालते हैं, आपके अप्रूवल का एम्प्लॉय कोड जरूर डालें, जिससे हम या हमारी जो टेक्निकल टीम है ऊपर, वो अगर एम्प्लॉय कोड नहीं रहेगा तो हम आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो ये दो चीजें आप जरूर डालें, एम्प्लॉय कोड रहेगा क्रिएट, जो जिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की दिक्कत आ रही है आप उसका एम्प्लॉय कोड, और जो आपका अप्रूवर है आरएनडी में जो अप्रूवर है और बाकी चीजों में जो अप्रूवर है उसका आप जरूर क्या करें, एम्प्लॉय कोड जरूर हमें अवेलेबल कराते हैं।
और जब आप कंप्लेंट नोट कराते हैं तो उसमें कोशिश करें कि हम जो भी एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन होता है उसको हम जरूर विवरण दें। हमने बहुत सारी कंप्लेंट यहाँ पे देखी है जिसमें पूरी जानकारी नहीं होती, सिर्फ हमने समस्या बता दी कि ये हमें समस्या आ रही है, उसका हमने कोई स्क्रीन शॉट नहीं लगाया। क्योंकि मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे जो वीडियो थे हमारे सब प्रेस से छिंदवाड़ा पेज में ट्रांसफर हुए, तो जब ये वीडियो ट्रांसफर होते हैं तब या दूसरा आपने जितने भी ऑर्डर बनाए होंगे वो डिलीट हो जाते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम आप अगर और किसी कर्मचारी की सैलरी। छिंदवाड़ा जनपद सभाकक्ष में आज ग्राम सचिवों की बैठक लेकर सीओ कंचन वास्कले ने कार्यप्रगति की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। जनपद की आईडी से नहीं, ग्राम पंचायत की आईडी से होता है, जनपद का इसमें पूरा रोल नहीं रहता पंचायत आईडी डिलीट करने का, ये सभी लोगों को जानकारी है। डुप्लीकेशन भी ग्राम पंचायत की लॉगिन से, हां इसमें जनपद पर का पूरा रोल नहीं पंचायत आईडी डिलीट करने का। चलो सीधे इस पर बात हुई, आप लोग उसको गोपनीय रखें। परिवार आईडी की बात कर रहा हूँ, भाजी पानी में परिवार आईडी डिलीट हुई है। अब परिवार आईडी डिलीट हो गई यानी पूरे सदस्य डिलीट हो गए उसके, बताओ एक भी सदस्य नहीं बचा। किसने किया तो? मैं तो वो खुला छोड़ा होगा, वही तो बता दिया किसी में, लेकिन लॉगिन पासवर्ड इनने दिए, जवाबदारी इनकी है। आज जनपद की आईडी से किसी पेंशनधारी मृत हो जाता है अचानक, ये हो कैसे भी, तो मैडम तो जवाब देंगी नहीं, जब वो आईडी में चला रहा हूँ जवाब मेरे भी देना, नहीं मैं मेरे ऑपरेटर को बोलूंगा। गोपनीय रखो पासवर्ड और ये दो चीजों का ध्यान रखना। अच्छा फिर से कैसे, कोई समस्या आती है तो फिर गोपाल से बात करो। नहीं नहीं ये एक समस्या का हल बता दो, इनके हट गए नाम तो ये कैसे फिर से लाएंगे? नहीं वो कर रहे हैं ना, कोई सवाल नहीं का हो गया, अभी पेंशन उसने कर लिया। पासवर्ड चेंज हो सकता है भाजी भाजी, तुम अपना लॉगिन पासवर्ड चेंज करवा लो। लॉगिन पासवर्ड भी ऐसा चेंज होता है सर, किसी पता लगता है उसी पता लगेगा जिसके पास मोबाइल है मात्र, थर्ड व्यक्ति पता नहीं लगेगा, आप वही किनारे खड़े रहो। समस्या नहीं तो गोपाल बाबू से चर्चा कर लिया करो ना, आदेश नंबर 2007 में लोड ना हो हितग्राही को ना दे, क्योंकि आप हितग्राही को दे देते, हितग्राही आता है भैया मेरा 6 महीने हो गए साल भर हुआ कार्ड बना अभी तक सर पर्ची नहीं आई, ठीक वो समस्या तो अपन उसको सुलझा देते हैं, लेकिन जब वो बीपीएल पोर्टल पर ही सत्यापित नहीं है तो उसकी पर्ची कब आएगी? और फिर अभी वर्तमान में हमने क्या कर दिया, बीपीएल पोर्टल पर जैसा मैं सत्यापित करता हूँ तहसीलदार का आदेश क्रमांक और तहसीलदार का आदेश दिनांक, जब तक ये नहीं मिलेगी वो बाहर फेंक देगा अगर मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी डाला तो। महाराष्ट्र नाई नाभी समाज ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। शिरोमणि सेन जी महाराज की जय, संत 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 शिरोमणि सेन जी महाराज की जय। आज संत शिरोमणि सेन जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर जनहित में 5 बिंदुओं के ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय का ध्यान आकर्षण करने के लिए हमने ज्ञापन सौंपा है। उसमें सबसे पहला बिंदु है कि विद्युत विभाग द्वारा जो तार लगाए गए हैं उसमें गार्ड लगाए जाएं ताकि दुर्घटनाओं से बचाया जा सके, तार अगर गिर जाएंगे तो सीधे रोड पर गिरेंगे और गार्ड लगाए जाएंगे तो गार्ड के सहारे तार लटके रहेंगे। नंबर 2, शहर में बहुत ऊँचे ऊँचे पेड़ लगे हुए हैं जो कभी भी आंधी तूफान या आपदाओं के कारण गिर सकते हैं जिससे जन हानि हो सकती है, तो इनसे बचाने के लिए ऊंचे पेड़ों को छटवाया जाए, हम काटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, छटवाया जाए ताकि सुंदरता आ जाएगी उसमें, और जो सूखे पेड़ रोडों के किनारे खड़े हैं उन पेड़ों को कटवा दिया जाए ताकि दुर्घटनाएँ ना हों।
नंबर तीन शहर में जो ब्रेकर लगे हैं, इन ब्रेकरों से 40 साल के उम्र के लोगों को अभी से समझ में आने लगा है कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, गर्दन का दर्द, तो इन ब्रेकरों में सुधार किया जाए। स्लो मतलब धीमी गाड़ी निकले लेकिन झटका ना लगे, तो ये हम सुविधा चाहते हैं। नंबर चार है कि शहर में लावारिस जानवर बैठे रहते हैं जो एक्सीडेंट को न्योता दे सकते हैं, इन जानवरों को सरकार के द्वारा राशि देकर के जो गौशालाएं खुलवाई गई है उन गौशालाओं में संरक्षण दिया जाए और कांजी हाउस खुलवा करके इनको वहां रखे जाएं। पांचवा है सिटी बस में सुविधाएं दी जाए ताकि यात्रियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन बातों को हमने अपने ध्यान में रखते हुए कलेक्टर महोदय का ध्यान आकर्षण करवाया है। लालबाग स्थित क्षत्रिय भवन में आज क्षत्रिय छीपा समाज की महिलाओं ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। क्षत्रिय छीपा समाज महिला मंडल ने प्रभु श्री कृष्ण को 56 भोग अर्पित किए और भजन कीर्तन कर प्रभु की आराधना की। और अब इन तमाम खबरों को समेटते समय देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों ने लगाई आग, कांग्रेस ने किया जंगी प्रदर्शन। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता के प्रयास, डीएसपी ट्रैफिक ने स्कूली बच्चों को दी जानकारियां। संविदा कर्मियों से किया वादा भूली सरकार,
कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंप कर वादा याद दिलाया। और राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में युवा उत्सव प्रारंभ, आयोजित की गई प्रश्न मंच प्रतियोगिता। इस बुलेटिन में खबरों का सफर नाम फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।